बेगूसराय में सामहो एवं मटिहानी के बीच गंगा नदी पर बनने वाले 6 लेन पुल के निर्माण की घोषणा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किए जाने के बाद शनिवार को बेगूसराय के कारगिल विजय सभा भवन में उच्च स्तरीय बैठक हुई। डीएम अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा, विधान पार्षद सर्वेश कुमार, मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह, सामो प्रखंड प्रमुख मनोज कुमार एवं बेगूसराय प्रखंड प्रमुख पल्लवी कुमारी एवं सांसद प्रतिनिधि अमरिंद कुमार अमर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण NHAI के अधिकारी सहित सभी संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में DPR बनाने वाली एजेंसी द्वारा सुझाए गए तीनों अलाइनमेंट पर सभी लोगों ने विस्तार से चर्चा किया। इसके बाद तय किया गया कि DPR बनाने वाली एजेंसी टेक्निकली कमेटी के साथ मिलकर जो उचित निर्णय लेगी वह सर्वमान्य होगा। बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को लेकर अपनी अपनी राय रखी। बैठक के बाद गिरिराज सिंह ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कल ही बिहार में 5,00,000 करोड़ के अधिक से बनने वाले सड़क एवं पुल का ब्यौरा दिया है। नितिन गडकरी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी की सरकार ने समूह को मुख्यालय से कनेक्टिविटी के लिए 5,000 करोड़ के पुल की घोषणा किया है। 2-3 दिनों में टीम समूह जाकर लोगों से राय लेते हुए निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर देगी। बेगूसराय में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 60,000 करोड़ का इन्वेस्ट किया गया है। रिफाइनरी फर्टिलाइजर थर्मल राजन पुल के पास पुल NHAI पेट्रोकेमिकल और समूह पुल को लेकर विकास की झड़ी लग गई है। 1980 के बाद बेगूसराय जिला के लिए कभी इतना बड़ा काम नहीं किया गया था। BNP न्यूज के लिए संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट। कार्यक्रम सर पुल पर क्या निर्णय लिया गया? पुल के निर्णय स्वाभाविक है, जिस नितिन गडकरी ने बिहार के विकास के लिए 5,00,000 करोड़ का कल एक एक रोड सहित ब्यौरा दिया, आज उन्हीं के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी की सरकार ने शामहो जो चिर परिचित परसों से सैकड़ों साल से जिन्हें सड़क नहीं मिला, पुल नहीं मिला, कनेक्टिविटी नहीं मिली, जिला मुख्यालय से जुड़ नहीं पाया, वो शामहो जुड़ने के लिए कल नितिन गडकरी ने 5,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को DPR अप्रूव हुआ है। कल परसों 2-3 दिन में लोग जाएंगे शामहो और लोगों की राय सलाह ले करके और उसके बाद उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक तरह से बेगूसराय में मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 60,000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट का, चाहे रिफाइनरी हो, फर्टिलाइजर हो, थर्मल हो, राजेंद्र पुल के पास में हो, चाहे NHAI हो, चाहे पेट्रोकेमिकल्स का हो, चाहे ये पुल हो, एक झड़ी लग गई है। 80 के बाद मुझे नहीं लगता है इतना बेगूसराय जिला के लिए।